अगर एक इंसान इतना अच्छा मुल्क चला रहा था, चलें गलतियां जो हैं वो इंसान से हो ही जाती हैं, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, तो गलतियों को माफ़ करके उनको वापस बुला लेना चाहिए। जो जो बड़े बड़े हैं ना, उनकी उनका राज है, उनकी बदमाशी है, हम पिसे हुए लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, बीमार है, बीमार हमदर्दी होनी चाहिए, तो बेटा वो पाकिस्तान आना चाहिए, इस मिट्टी में दफन हो जाए। बिजनेसमैन मैं ये कहूँगा कि जो टर्नओवर मुशर्रफ साहब का था वो किसी का भी नहीं था, सब दुआ करते हैं कि मुशर्रफ साहब आ जाएं। पाकिस्तान के अंदर तो मुर्दे तक के ऊपर जो है ना पॉलिटिक्स चल जाती है, वो तो एक ज़िंदा इंसान है। मुझे लगता है कि ये भी एक कोई एक तरह से कह लें कि पॉलिटिकल कोई एस्पेक्ट है कि जिसके मद्देनज़र रखते हुए उनको जो है वो बेसिकली लाने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ योर होस्ट आमना आदर एंड यू वाचिंग डेली धरती विद मी व्यूअर्स। आज हम लेकर आए हैं एक सवाल। सवाल ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं और उनको उनकी शदीद अलालत के बाद पाकिस्तान लाने का कहा जा रहा है, न्यूज़ में ही आ रहा है। आखिर क्यों, क्या बेनिफिट्स है, क्या रीजंस है, किन वजूहात के बायस उन ये फैसला सामने लाया गया है, ये न्यूज़ सामने लाई गई है, इसके बारे में जानेंगे यहाँ पर आए लोगों का ओपिनियन के वो क्या सोचते हैं। इसके साथ साथ ये भी पूछेंगे कि क्या कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है जो इस फैसले पर इम्पैक्ट डालता है या इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में भी जानेंगे यहाँ की आवाम से। हमारे साथ रहिएगा। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। वालेकुम सलाम सर, गुड नेम इत्शाम शामी। इत्शाम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा बहुत ही आसान है और वो ये है कि आपको क्या लगता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो इस वक्त काफ़ी जो है तश्वीशनाक हालत में है, लेकिन उसके बावजूद आवाम की ये डिमांड है कि परवेज़ मुशर्रफ को वापस आना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, परवेज़ मुशर्रफ को वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या ओपिनियन? देखिए, जो भी है, मुशर्रफ साहब अब सियासत से बहुत दूर हो चुके हुए हैं, ठीक है। अब उनको एक्सपीरियंस बहुत है सियासत का, उसके अलावा वो पास्ट में हमारे पास जो है वो हेड ऑफ़ दी फौज रह चुके हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा बंदा जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो के, क्योंकि जब मैंने होश संभाली थी ना, तो उस टाइम मुझे ये पता चला था कि मुशर्रफ साहब की हुकूमत है और उन्होंने हर चीज़ आवाम के लिए बहुत से रिलीफ पैदा किए हुए हैं। तो अगर एक इंसान इतना अच्छा मुल्क चला रहा था, चलें गलतियां जो हैं वो इंसान से हो ही जाती हैं, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, तो गलतियों को माफ़ करके उनको वापस बुला लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर वो वापस आते हैं तो आवाम का रद्द अमल क्या होगा? अभी आप देखें तो आवाम के अंदर परवेज़ मुशर्रफ की लाइकिंग नज़र आती है, पसंद किया जाता है, नहीं पसंद किया जाता है, इसके बारे में आवाम का रद्द अमल देखें, कुछ लोग तो होते हैं कि जो इंतशार फैलाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें माफ़ कर दिया गया ना, तो आवाम भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी। आपको क्या लगता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब अगर यहाँ आते हैं तो वो कैसा इमेज क्रिएट करें? अगर वो यहाँ पे आते हैं और वो किसी भी पार्टी की जो उन्हें बेटर लगती है उसके साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि उन्होंने सियासत तो अब उनका नहीं है, तो अगर किसी से मिल के काम करते हैं तो मेरा ख्याल है वो पार्टी बेस्ट चलेगी और कुछ ना कुछ कर ले। गुलाम हैदर साहब, आज हम आपके लिए ये सवाल लेके आए हैं कि आपको क्या लगता है, परवेज़ मुशर्रफ को लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं, उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या ओपिनियन है आप? असल बेटे, अगर वो पाकिस्तान का शहरी है तो वापस आ जाए। इस मुल्क में किसको कोई रोक सकता है? जिसके पास पैसा दौलत है वो तो बल्कि रुकेगा भी नहीं, उसको आ जाना चाहिए। वैसे वो बीमार है, कहते हैं या बीमार है या नवाज शरीफ की तरह ड्रामेबाज है जी। अगर वो ड्रामेबाज है तो मेरा ख्याल है उसको पड़ा रहने दें। अगर वो वाकई बीमार है और मरने के करीब है तो उसको ले आए, इधर भी मरना उधर भी मरना। बाकी और जो लूट के गया है वो तो हमें मिलना नहीं है, जो भी लूट के लेके जाता है वो तो बेटे हमें मिलना नहीं है। जो आना चाहे पाकिस्तान में आए, जो जाना चाहे जाए, उसमें क्या हर्ज? अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस पाकिस्तान आते हैं तो आपको क्या लगता है आवाम का रद्द अमल क्या होगा, हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा, क्या लगता है पाकिस्तान के लोग किस तरह से जो है इस चीज़ को देखेंगे? बेटे, जो आवाम का रद्द अमल है ना, आवाम का रद्द अमल तो ज़ीरो है। उसकी वजह है कि वो जब गया था तो आवाम ने क्या किया, जब वो आ जाएगा तो आवाम ने क्या करना। इस मुल्क में बेटे, ये बड़ों जो जो बड़े बड़े हैं ना, उनका राज है, उनकी बदमाशी है, हम पिसे हुए लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, हमारे ऊपर तो लोगों ने हमें दबा के रखा हुआ, हम क्या कर सकेंगे? वो आए जाए कोई, ये जब हमारा कानून ही है, इस मामले में कानून ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं हमें? ये सर,
इस वक्त बड़ी क्रिटिकल हालत में है मुशर्रफ साहब, तो आपको क्या लगता है वतन की मिट्टी उनको हासिल होनी चाहिए मरते वक्त? जी जी बिल्कुल होनी चाहिए। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये मुल्क के लिए उनकी खिदमत भी हैं। ये पाकिस्तान अगर मिट्टी उसको मिल जाए, या बीमार है, बीमार हमदर्दी होनी चाहिए। ये हमने सब ने इस मुल्क को छोड़ जाना है, तो इसलिए जो मेरे से सही पूछें तो बेटा वो पाकिस्तान आना चाहिए, इस मिट्टी में बदफन हो जाए। नवान सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि मुशर्रफ साहब के वापस आने की तैयारियां की जा रही हैं, आपको क्या लगता है उनको आना चाहिए वापस या फिर नहीं? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, पाकिस्तान के सिटीज़न है, ज़रूर आना चाहिए। अब तो उनकी तबीयत भी इतनी कोई बेहतर नहीं है, मैं देख रहा था कि काफ़ी एजिड हो गए और अब तो तबीयत भी उनकी ऐसे ठीक नहीं रहती, तो अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो कोई शक नहीं आना चाहिए। आपको क्या लगता है इस वक्त बड़ी ही क्रिटिकल हालत में है, दुबई में है वो, और उनको वापस लाने का जो है एक अमल जारी है और उस पर काम किया जा रहा है, आपको क्या लगता है अगर वो वापस आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर या फिर जो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है उस पर कोई असर? देखें, उन्होंने हमारे स्टेट पे रूल किया है और बीइंग अ बिजनेसमैन मैं ये कहूँगा कि जो टेन्योर मुशर्रफ साहब का था वो किसी का भी नहीं था। सब दुआ करते हैं लेकिन मुशर्रफ साहब आ जाएँ, चाहे उस टाइम हालात जैसे भी थे, वो एक बात की बात है। पाकिस्तान ने जितना ग्रूम किया, जितना फ्लरिश पाकिस्तान किया, वो मुशर्रफ साहब के ही टेन्योर में किया है। अब तो मेरे ख्याल से अगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो जो उनकी सेहत है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं, वो सिर्फ रेस्ट ही करेंगे। अब उनके आने से अगर तो कोई पाकिस्तान को फ़ायदा है तो ठीक है, ना मेरे ख्याल से नुकसान भी कोई नहीं है, क्योंकि अब तो वो अपने जो लास्ट मतलब इतनी देर बंदा हॉस्पिटल में रहता है वैसी सेहत ठीक नहीं होती। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने मुशर्रफ साहब से क्या लेना जब उनकी सेहत है इस टाइम, मेरे ख्याल से काफ़ी एजिड भी अब हो चुके हुए हैं। अगर उनको याद किया जाए, जो पाकिस्तान की आवाम उन्हें जो याद करती है वो एक बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करती है, थोड़े नहीं बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करती है। जी बिल्कुल सही। तो आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से आवाम को, पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को या फिर परवेज मुशर्रफ साहब को? तो मैसेज बल्कि दुआ यही है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को यही है जी कि आप अपने ज़ाती मफाद से हट के अब मुल्क का सोच लें, क्योंकि अब हम नियरेस्ट पहुंच चुके हैं डिज़ास्टर के। अच्छा सर, आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं और ख़बर में ये आ रहा है कि डेफिनेटली वो वापस आएँ और अपने मुल्क में रहें, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है ये सही है नहीं है, कैसा ओपिनियन है? अच्छा, इस पे ना मैं खुद परवेज़ मुशर्रफ साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, हमारे वो बड़े अच्छे लीडर भी रहे हैं, हमारी आर्मी को बहुत अच्छी तरीके से चलाया था। इवन कि अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं कोई बुरी बात नहीं है, आएँ यार, अगर वहाँ पे दुबई में भी इलाज करवा रहे थे पाकिस्तान में भी इलाज आके गरीबों के साथ मिलकर करवा लें, कोई उनकी जान को नुकसान नहीं होता, जिंदगी में अल्लाह पाक ने लिखी हुई है। सेकेंडली बात, मुझे ये बात कुछ दिन पहले पता लगी थी कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने इयादत करना चाहता हूँ परवेज़ मुशर्रफ साहब की, अगर वो पाकिस्तान आएँगे तो मैं भी नवाज शरीफ साहब उनका एक तरह से ना साइड लेके उनकी वजह से ही पाकिस्तान आके ना पाकिस्तान में दोबारा एंट्री मारना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो अपनी बीमारी का बहाना करके बाहर बैठे हुए हैं। यार, बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, ये जो हमारी आजकल गवर्नमेंट चल रही है ना, मेनली ये पॉलिटिकल हर तरफ पॉलिटिक्स के ही सिस्टम चले हुए हैं। आपने कहा हर तरफ पॉलिटिक्स चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि परवेज़ मुशर्रफ का वापस पाकिस्तान आना पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट करेगा? यार, ये इफेक्ट ऐसे करेगा कि क्योंकि उनको भी बहुत सारे ऐसे बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनके साथ अच्छे तल्लुकात हैं, वो मे भी आके मुल्क के कुछ हालात चेंज करें, उनके एक वर्ड बोला हुआ कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा ना। यार देखे ना, जैसे इमरान खान ने अपनी पार्टी बनाई हुई है, नवाज शरीफ अपना है, तो अगर मुशर्रफ साहब आते हैं पाकिस्तान, उनकी भी अपनी अलग पार्टी है, उन्होंने बड़े 8-9 साल हुकूमत की है उन्होंने, उसके उन्होंने ही किया, उसके अलावा जो पाकिस्तान में जो भी आया है लीडर आया है 4 साल या 3 साल ही गुजार के गया है, तो उनसे कोई ना कोई तो इफेक्ट पड़ेगा ना यार। मे भी यहाँ तो उन्हें PTI यूटिलाइज करेगी या नून लीग करेगी, नहीं तो तरीके लबैक भी कुछ ना कुछ कर ही रही है, तो सियासत ही है यार, ये भी उनका पाकिस्तान आना भी एक बहुत बड़ी सियासत है। सुमन सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं, वो ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं, ख़बरों में ये आ रहा है, आपको क्या लगता है क्यों आखिर ऐसा हो रहा है और अगर वो आए उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आपको क्या? बिल्कुल आना चाहिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो अगर इलाज के लिए गए हैं, अगर उनका इलाज कंप्लीट हो चुका है तो उनको वापस पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, फौज में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है, और वो बेसिकली इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुक जैसे भी थे काफ़ी अच्छे थे, उनको बिल्कुल वापस आना चाहिए। अच्छा, इस वक्त दुबई के अंदर उनकी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, वो बहुत बुरी हालत के अंदर हैं और बीमार हैं, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में उनका आना इस वक्त, आपको क्या लगता है क्या ये कोई पॉलिटिकल गेम है या पसे पर्दा कोई और ही बात? पॉलिटिकल गेम कह भी सकते हैं, क्योंकि हर जगह पॉलिटिक्स हो रही है। जैसे कि अभी हम लोग अगर पीडीए और नून लीग की बात करें, अभी जो उनमें भी क्राइसिस आ रहे हैं, वो उनको ब्लेम कर रहे हैं, वो उनको ब्लेम कर रहे हैं, हो सकता है इसके पीछे पॉलिटिक्स हो सकती है। अब आई एम नॉट श्योर कि इसमें पॉलिटिक्स है या नहीं, लेकिन कुछ हद तक कह सकते हैं पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो भी मुल्क से बाहर गया, उसको भी बुलाएंगे, उसके भी नैब जो भी करती है सासाजात या जो भी उससे क्वेश्चंस करती है, कोई क्यूरीज करती है, वो सारे क्वेश्चन उनके बाद ही पता लगेगा। मुशर्रफ साहब को वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं, पाकिस्तान लाने की तैयारियां की जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, क्या ओपिनियन? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, वो उनका अपना मुल्क है और वो पाकिस्तान की नेशनल होल्डर हैं, उनके पास नेशनल आईडी कार्ड है, तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान को बिलोंग पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनका अपना मुल्क है, वो आना चाहें तो आ सकते हैं। अच्छा, इस वक्त जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब बहुत क्रिटिकल हालत में हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, इस सिचुएशन में उनका पाकिस्तान लेकर आया जाना आपको क्या लगता है, आखिर ऐसा क्यों? ये तो बिल्कुल आपने ऐसी बात की है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर तो पाकिस्तान के अंदर तो मुर्दे तक के ऊपर जो है ना पॉलिटिक्स चल जाती है, वो तो एक ज़िंदा इंसान है, तो पॉलिटिक्स किसके ऊपर नहीं चलती। और हालांकि मुझे लगता है कि ये भी एक कोई एक तरह से कह लें कि पॉलिटिकल कोई एस्पेक्ट है कि जिसके मद्देनज़र रखते हुए उनको जो है वो बेसिकली लाने की कोशिश की जा रही है। परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं, आपको क्या लगता है उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या ओपिनियन? डेफिनेटली उनको आना चाहिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज़ समझ एग्जैक्टली नहीं आई थी, मतलब पता है कि न्यूज़ में क्या हुआ था, किस वजह से उनको निकाला गया था, लेकिन उनको इस वजह पे निकाला गया कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के केस में वो बाहर गए हैं। अब वो पिछले दिनों एक न्यूज़ भी सर्कुलेट कर रही थी कि अल्लाह माफ़ करे उनकी डेथ हो गई है, लेकिन उसके बाद में आई थिंक हमें पता चला था कि वो फेक न्यूज़ है, लेकिन वो काफ़ी अर्से से आई थिंक उन्हें 2 से 3 साल हो गए हैं, ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड इन दुबई, तो प्लीज़ उनको वापस डेफिनेटली लाया जाए, और अगर तैयारी हो रही है उनके वापस आने की तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पाकिस्तान को एक अच्छा टाइम पीरियड दिया है अपनी लाइफ का, और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा उन दिनों में मतलब जिसे कहते हैं ना कोई तब्दीली हमने देखी थी, तो वो डेफिनेटली उनके टाइम में हमने देखी थी, मुझे याद है इस चीज़ का, तो अगर डेफिनेटली उन्हें वापस आना चाहिए। अच्छा शाहरुख, ये भी कहा जा रहा है कि प्रॉबेबली उनके आने के पीछे कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको क्या लगता है क्या पॉसिबल पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं जो वो लोग गेन कर रहे हैं? देखिए, ये पाकिस्तान है, हर किसी छोटी ना छोटी बात के पीछे भी एक कोई ना कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, कोई गेन होता है, कोई नुकसान होता है, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, तो ये बातें करनी है, वो कहते हैं 100 मुँह हैं 100 बातें हैं। इस वक्त उनकी जो लाइफ है, उनकी जो हेल्थ है, वो उसको आई थिंक उसको टॉप प्रायोरिटी माना जाए, और उसकी बेटरमेंट के लिए अगर उन्हें वापस लाया जाए, और अगर वो बीमार ही इतने, खैर अगर एक इंसान की लास्ट विश समझ के भी उसे अगर उसको ग्रांट कर दी जाए तो आई डोंट थिंक वो बुरी बात है। जी व्यूअर्स, आज हमने परवेज़ मुशर्रफ की वतन वापसी के बारे में लोगों से उनका ओपिनियन जाना, ये भी जाना कि कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट है जो कि इस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है या नहीं, इसके बारे में हमने लोगों का ओपिनियन जाना, आप तक शेयर भी किया, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आम नादल और डेली धरती को दे इजाज़त, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए मज़ेदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।